किडनी मानव शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। यदि किडनी ठीक तरह से बेस्ट प्रोडक्टों को फिल्टर नहीं कर पाती है तो हमारे शरीर में किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होने लगती है। आज हम इसी किडनी स्टोन की प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। किडनी स्टोन हमें क्यों हो जाती है, इसके लक्षण कारण एवं हमें यदि किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो तो हमें क्या करना चाहिए, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। किडनी का मेन काम हमारे ब्लड में जो बेस्ट मटेरियल होते हैं ना, फिल्टर करके यूरिन के द्वारा बाहर निकालना होता है। जो बेस्ट मटेरियल होते हैं ये क्रिस्टल के रूप में होते हैं। यदि ये क्रिस्टल जो बेस्ट मटेरियल होते हैं इन्हें निकालने के लिए हमें पानी की जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ना, वो रिक्वायरमेंट हम पूरी नहीं कर पाते, जिसके कारण हमें यूरिन भी नहीं बन पाती। यदि यूरिन नहीं बनेगी तो हमारी जो किडनी है ना, उसमें धीरे धीरे करके जो बेस्ट मटेरियल है वो क्रिस्टल के रूप में एक एक करके जमा होने लगते हैं और वह एक स्टोन का रूप ग्रहण कर लेते हैं। ये स्टोन का रूप ग्रहण कर लेते हैं, 2-3-4 mm की होती है, ये तो यूरिन के द्वारा पास हो जाती है और निकल जाती है। यदि यही स्टोन 2-5 से ऊपर होती है, 8-10-12 mm की होती है, तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है और बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है और इसी को हम किडनी स्टोन बोलते हैं। देखिए, दो तरह की किडनी स्टोन सबसे ज़्यादा देखी जाती है, एक तो यूरिक एसिड स्टोन और दूसरी कैल्शियम स्टोन। तो ये जो दो तरह की स्टोन होती हैं वो मनुष्य में सबसे ज़्यादा हो जाती हैं। चलिए इसके कारणों के बारे में बात करें, किस वजह से ये किडनी स्टोन की हमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो सबसे बड़ा इसका मेन कारण होता है पानी की कमी, मतलब डिहाइड्रेशन। जो व्यक्ति कम पानी पीते हैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मतलब यदि आप पानी कम पियोगे तो आपको यूरिन भी कम बनेगी, जिसके कारण यूरिन कम बनेगी तो क्रिस्टल जमा होंगे, तो उसका कारण से आपको किडनी स्टोन होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। आपको गाउट की प्रॉब्लम, मतलब जिनमें जिसे गठिया बोलते हैं, अगर उसकी प्रॉब्लम है तो आपको किडनी स्टोन होने की ज्यादा चांसेस। आप नमक बहुत ज्यादा खाते हैं, उसमें सोडियम बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण भी किडनी स्टोन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। प्यूरिन रिच वाला खाना खाने के कारण भी आपको किडनी स्टोन होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब जैसे मीट मछली, इनमें बहुत ज्यादा प्यूरिन पाया जाता है, तो इसके कारण भी आपको अगर ज्यादा लेते हैं तो आपको स्टोन होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। कैल्शियम के एब्जॉर्वेशन ना होना, यदि आपके शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्वेशन नहीं हो पा रहा है तब भी आपको स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। आप कैल्शियम की मात्रा ज्यादा ले रहे हैं, ज्यादा आप कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं, उसके कारण भी आपको कैल्शियम के कारण भी आपको स्टोन होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। आनुवांशिकता, यदि आपके परिवार में किसी को पहले स्टोन की प्रॉब्लम हुई है या फिर दादा को, पापा को, किसी को भी आपको स्टोन की प्रॉब्लम हुई है, तब भी आपको स्टोन होने के ज्यादा चांसेस रह जाते हैं। जो लोग चॉकलेट का ज्यादा यूज करते हैं उनको भी स्टोन होने की ज्यादा संभावना रहती है। ओबेसिटी, जिन लोगों का मोटापापन बहुत ज्यादा होता है या वजन बहुत ज्यादा होता है, उनको भी स्टोन होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। जिनको पहले कभी स्टोन की प्रॉब्लम हुई है उनको भी स्टोन होने की प्रॉब्लम होती है, तो इन लोगों को बहुत ज्यादा स्टोन होने की ज्यादा संभावना रहती है। चलिए इसके लक्षणों के बारे में और बात कर लेते हैं। इसके लक्षणों के बारे में बात करें तो आपको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। जो दर्द होता है ये यहाँ से चालू होता है तो ये पीछे तक बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। जो यूरिन पास करते हैं तो उसमें ड्रॉप ड्रॉप करके यूरिन पास होता है और उसमें बहुत ज़्यादा जलन की प्रॉब्लम होती है। आपको उल्टी की बहुत ज़्यादा इच्छा होने लगती है। जब भी आप यूरिन पास करते हैं तो आपको रुक रुक कर यूरिन आती है और दर्द और पेन के साथ में जो यूरिन होती है उसमें बर्निंग भी बहुत ज़्यादा होती है। और आपको सबसे बड़ी बात तो इसमें जैसे ही आपको दर्द होता है ना, आपको ना बैठते बनती है और ना ही लेटते, इतना असहनीय दर्द होता है। अब यूरिन का कलर पीला एवं गाढ़ा हो जाता है और उसमें बहुत ज्यादा स्मेल आने लगती है, बहुत ज्यादा बदबू आती है। तो इस तरह से आपको लक्षण देखे जा सकते हैं। चलिए इसकी उपयोग के बारे में, किस तरह से हम इस किडनी स्टोन की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं कि हमें किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो ना। सबसे मेन चीज होती है आपको डिहाइड्रेशन। यदि आपको पानी की कमी है, पानी कम पीते हैं, तो आपको 100% मतलब किडनी स्टोन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। यदि आपको किडनी स्टोन से बचना है तो सबसे ज्यादा पानी पिए। दिन भर में कम से कम 2-3 liter पानी तो आपको पीना ही चाहिए। यदि आपको प्यास भी नहीं लग रही, आपको पानी पीने की इच्छा भी नहीं हो रही, तब भी आपको पानी का यूज ज्यादा से ज्यादा करना है। आपको नींबू पानी का ज्यादा यूज करना। यदि आपको लग रहा है कि मुझे किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर मुझे चांसेस है कि किडनी स्टोन के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, तो आपको नींबू पानी का ज्यादा यूज करना चाहिए। यदि आपको स्टोन की प्रॉब्लम है तब भी आप नींबू पानी का यूज करें। यदि आपको किडनी स्टोन की पहले से भी प्रॉब्लम दिख रही है तब भी आप नींबू पानी का यूज कर सकते हैं। आपको प्यूरिन वाले खाना खाने से बचना चाहिए, जैसे कि आपको रेड मीट होता है, फिश होती है, जैली फिश होती है, तो इस तरह की चीजों से आपको बचना चाहिए।
चाहिए। यदि आपको डेली लेती हैं तो उसको कम करें, आप कभी जब भी उसका यूज़ करें। आपको चुकंदर का यूज़ नहीं करना चाहिए, आपको शकरकंद का यूज़ नहीं करना चाहिए, आपको हरी जो प्याज होती है हरी प्याज का भी यूज़ नहीं करना चाहिए, पालक का कम यूज़ करें आप, नमक का भी बहुत कम यूज़ करने की चाहिए क्योंकि उसमें सोडियम होता है, सोडियम भी हमारी किडनी स्टोन की प्रॉब्लम को बढ़ाता है। आप जो कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं उसका भी आप बिना डॉक्टर की एडवाइस से आप बिल्कुल कैल्शियम का यूज़ नहीं करें। यदि आप कैल्शियम की भरपूर मात्रा लेते हैं और आपको कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है उसके कारण भी आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है। तो इस तरह से आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम से बचने के लिए इन सभी उपायों को करना पड़ेगा। यदि आप ये सारी चीज़ों को उपायों को करती हैं तो आपके किडनी स्टोन होने के चांसेस कम रहेंगे और यदि आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो बढ़ेगी नहीं, हो सकता है वो धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म कर दें। लेकिन यदि आपको किडनी स्टोन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं या समझ में आ रहा है कि मुझे किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है तो आप यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलें ताकि आपको सही ट्रीटमेंट एवं सही सुझाव मिल सके और वे आपके लिए हो सकता है कुछ टेस्ट के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं, जैसे कि आपको यूरिन आरएम के लिए एडवाइस कर सकते हैं, एक यूएसजी जिसे सोनोग्राफी कहते हैं उसके लिए भी एडवाइस कर सकते हैं ताकि उसमें पता चल सके कि आपकी किडनी स्टोन का साइज क्या है, उसका हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यदि आपकी किडनी स्टोन का साइज कम है 2-5-3 mm का है तो आपको वो दवाइयों द्वारा ही उस किडनी स्टोन की प्रॉब्लम को दूर कर सकती है। यदि आपको 5 mm से ज़्यादा की स्टोन की प्रॉब्लम है, जैसे 8-10-12 mm की स्टोन की प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर सर्जरी के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी स्टोन की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। समस्या कोई भी बड़ी नहीं होती और ना ही छोटी होती है, आप सही डॉक्टर को दिखाएं और सही ट्रीटमेंट लें ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।